टी सी एस एन क्यू टी जो कि मैं कल दे के आया हूँ 17 अप्रैल 2024 को, तो बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का था। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी है आपके लिए, किसी के लिए भी ईजी है। बट टॉकिंग अबाउट कोडिंग सेक्शन, तो यार मैंने एक्चुअली जो नेट पे या यूट्यूब पे जहाँ पे हर जगह मैंने देख के गया था कि 15 मिनट का क्वेश्चन एक रहता है कोडिंग और एक 30 मिनट्स का, बट जो कल मैं दिया हूँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चेंज है। आप लोग भी ध्यान रखिए यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो देने वाले हैं उनको हेल्प हो सके। मतलब जो कोडिंग राउंड है वो 2 सेक्शन में है, और 15 मिनट वाला जो क्वेश्चन था जो भी आपको बताया होगा या आप नेट पे देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ये एक एक जो कोडिंग राउंड रहेगा वो 40 मिनट्स का रहेगा, एक और है दूसरा जो रहेगा वो 50 मिनट्स का रहेगा, दोनों एडवांस कोडिंग रहेगा। जैसे पहले हम करके गए थे जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर एरे में निकालना, डुप्लीकेट एलिमेंट्स वगैरह, या लीप ईयर जो बेसिक होता है, जो 15 मिनट का था जो क्वेश्चन, जो मैं भी नेट से देखा था, इंटरनेट से और यूट्यूब पे देखा था, तो वो सब सारा क्वेश्चन करके गया था, लेकिन उसमें से कोई नहीं आया। और आपको अगर इस चीज़ का करना है तो हैकर रैंक हुआ मतलब या गीक्स फॉर गीक्स राइट, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और उस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में रहेगा, उसको आपको कोडिंग में करना होगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही राइट। तो मेरे लिए वो मुझे प्रैक्टिस नहीं था, कोई फ्रैंक बताऊँ तो मुझे प्रैक्टिस था वो जो सिंपल जो बेसिक रहता है वो चीज़ मैं करके गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है। बाकी जो एप्टीट्यूड वगैरह था वो सिंपल था, बट जब अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग प्लीज़ किसी और को कन्वे कीजिए ताकि उन लोग का हेल्प हो सके। प्लीज़ कोडिंग राउंड पे आप लोग ये मत सोच के जाइएगा कि 15 मिनट का रहेगा, नहीं, ये एक 40 मिनट्स का रहेगा, एक 50 मिनट्स का रहेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोग को हेल्प हो सके, और ये चेंज हो चुका है। और हाँ, ये सिलेबस अगर आप देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन ये प्रोग्रामिंग का था, बिल्कुल नहीं था प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन था, जो भी कोडिंग था 50 मिनट और 40 मिनट्स का राइट, तो वो था जो मतलब मुझे अलग जो लगा वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया। तो होप सो आप लोग को हेल्प हो सके, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच लीजिए कोडिंग क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग को होप सो कि हेल्प मिलेगा। तो कुछ यही था इस वीडियो में नया, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।